दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो देखिए नवजात जो शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। कितनी होती है? लगभग में 300 होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। मनुष्य जो खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अस्थियाँ होती है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो देखिए पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो 12 जोड़े हो, इस तरह से पूछा जाए 24 होते हैं, जोड़ा में 12 जोड़े, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जबड़े की जो अस्थि होती है ये शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है, आपको याद रखना है, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो देखिए लंबी हड्डी फीमर बता ही चुके हैं, फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ह्यूमरस जो है ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है, बाकी तीनों टीबिया फीबर और फिबुला तीनों जो है ये मानव के पैर की हड्डी है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस अस्थि, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऊपरी भुजा की हड्डी। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ऊपरी भुजा में, ठीक है। मनुष्य शरीर में पैरों की हड्डी, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पैरों की जो हड्डी होती है वो सरंध्री होती है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी सरंध्री होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, टांग में, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, बता ही चुके हैं कि सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, फीमर जिसको बोला जाता है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है ये दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाती है, बुढ़ापे की बात हो रही है, तो बुढ़ापे में मनुष्य की जो अस्थियाँ होती है तो ये कैल्शियम की कमी के कारण से जो है कमजोर हो जाती है, सी हो जाएगा। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट जो है अस्थि में जो है ये सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टेंडन जो होता है अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो दो बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, पाचन का अधिकांश भाग, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छोटे आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मुख में, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मुख में होती है, ठीक है। मनुष्य पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 32 फीट, ठीक है, मनुष्य की जो पाचन नली होती है वो 32 फीट लंबी होती है, 32 फीट, ठीक है। मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टाइलिन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है,
तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कॉर्निया जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बाकी यकृत, पित्ताशय और आंत तीनों जो है यहाँ पर पाचन तंत्र का शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। तो देखिए शरीर के लिए एंजाइम ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं इसलिए आवश्यक होते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत से। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल या अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन भोजन के करता है, एक्स है भोजन के पाचन में सहायक। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक है भोजन के पाचन में, ठीक है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उदर से, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि। तो देखिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आमाशय की दीवार संश्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यकृत जो है ये पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण करता है। पेप्सिन है एक, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पेप्सिन जो है एक एंजाइम है, पेप्सिन बदल देता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में जो है पेप्सिन बदल देता है। पाचन क्रिया प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। निम्नलिखित में से वो अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यकृत है, ठीक है। यकृत है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पित्त जो है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त यानी बाइल जमा होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पित्ताशय में जमा होता है। पित्त यानी बाइल का प्रमुख कार्य क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण करना, ठीक है। ये पित्त यानी बाइल का प्रमुख कार्य है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हार्वे ने जो है सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हृदय से। पेसमेकर हृदय संबंधित है। पेसमेकर का कार्य है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना जो है पेसमेकर का कार्य है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहा जाता है? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सोते समय रक्तदाब जो है घट जाता है। रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है,
तो देखिए ब्लड प्रेशर जो है किसके द्वारा मापा जाता है, एस्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा, याद रखना एस्फिग्नोमैनोमीटर। जार्विक सेबेन है, तो देखिए जार्विक सेबेन जो है ये कृत्रिम हृदय क्या है, कृत्रिम हृदय। लवडाव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हृदय क्रिया के कारण से जो है उत्पन्न होती है। मनुष्य शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड। मनुष्य शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रति मिनट जो है 72 बार होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धमनी से। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, धमनी से। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 120/80 होता है एक किशोरवय मनुष्य में रक्त सामान्य रक्तदाब। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, करेक्ट आंसर ये बढ़ जाता है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, मानव शरीर में हृदय का कार्य किस तरह से है, पंपिंग स्टेशन की तरह है, ये हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एआरटा जो है ये शरीर की विशालतम धमनी है। स्वस्थ मनुष्य शरीर में कुल कितनी मात्रा होती है, रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शरीर के वजन का 7% जो है एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 5 से 6 लीटर होता है। मानव रुधिर का पीएच है, करेक्ट आंसर डी 7.4 जो है मानव रुधिर का पीएच है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा तिलिया यानी पलिया जिसको स्प्लीन बोला जाता है अंग्रेजी में। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 91 से 92% जो है पानी की प्रतिशत मात्रा होती है, पानी की प्रतिशत मात्रा में भिन्नता होती है 91 से 92%। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रक्त में लोहा यानी आयरन धातु पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ा यकृत किडनी तीनों जगहों पर रक्त का शुद्धिकरण होता है, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा होता है, क्या होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। कौन सी रक्त वाहिका है साफ रक्त को, साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फुसफुस सीरा जो होती है ये साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लोहित कोशिकाओं की सहायता से जो रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हीपेरिन की उपस्थिति के कारण से जो है शरीर के भीतर जो है रक्त जमता नहीं है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो देखिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पलिया जो है ये मानव शरीर में रक्त बैंक कहलाता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है,
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा जो एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिका यानी RBC किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट के नाम से। ठीक है, RBC किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका यानी RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो देखिए RBC अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर? अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो RBC का कब्रिस्तान जो है पलिहा वो कहा जाता है, पलिहा। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। WBC का पूछा जाए तो 1 से 4 दिन का WBC का होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पन्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्तास पर मानव शरीर में RBC, तो RBC की संख्या बढ़ेगी उच्च उन्तास पर। ठीक है, सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य है, WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो RBC की किस्म जो अधिक होती है न्यूट्रोफिल्स डी हो जाएगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC प्रारंभ करता है, WBC बी हो जाएगा। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज करता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लैंडस्टीनर जो है ब्लड ग्रुप की खोज करता है। RS फैक्टर का पता लगाया लैंडस्टीनर तथा BNR ने। ठीक है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? AB रुधिर वर्ग में जो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? वो रुधिर वर्ग में जो है दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वो रुधिर वर्ग में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है, प्रतिरक्षी के निर्माण को सी हो जाएगा। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध। RS फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RS फैक्टर बंदर से संबंधित है। RS तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, RS+ पुरुष तथा RS- जो है ये विवाह के लिए जोड़ी उपयुक्त नहीं है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है, इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है, इसका कारण है? तो देखिए इसका जो कारण है वो है पिता का RS+ तथा माता का RS-। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता रखता है? तो ये है AB रक्त समूह। ठीक है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वोत्तरी का दाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसीलिए सर्वोत्तरी दाता कहा जाता है। मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो देखिए सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो रक्त समूह होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? वो रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है वो किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है।
और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।